आज मैं आपको सुनाऊंगी हमारे धर्म से जुड़ी दो ऐसी कहानियाँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पहली कथा है, किसने तोड़ा नारद का अहंकार। मित्रों, देवऋषि नारद के बारे में सभी को ये तो पता है कि उनके माध्यम से ही देवताओं को देवलोक व पृथ्वी लोक के समाचार प्राप्त होते थे। लेकिन आज हम आपको उस घटना के बारे में बताएंगे जब नारद जी का अभिमान भंग हुआ। आप सोच रहे होंगे, किसने किया नारद जी का अभिमान भंग, आखिर वो घटना क्या थी। इस बारे में हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक निवेदन ये है कि यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फौरन कर लें। अब नारद जी की पौराणिक कथा सुनाते हैं, जिसमें आप सभी के प्रश्नों का समाधान छिपा हुआ है। एक बार नारद जी हिमालय पर सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करने में लगे रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनके कठिन तप को देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। अतः इंद्र ने कामदेव और बसंत को बुलाकर नारद जी की तपस्या भंग करने को भेजा। कामदेव ने अपनी सभी कलाओं से उनका तप भंग करना चाहा, पर वो विफल रहे, क्योंकि यह वही स्थान था जहां भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया था। अतः इस स्थान पर कामदेव के वाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। विवश होकर कामदेव इंद्र के पास लौट आए। कामदेव को असफल देख इंद्र की चिंता और बढ़ गई। इधर तपस्या पूरी होने पर नारद जी अहंकार वश ये सोचने लगे कि कामदेव पर मेरी विजय हुई है। वे यह नहीं समझ सके कि भगवान शंकर के कारण ही कामदेव पराजित हुआ। नारद जी अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत गए और अपनी कथा सुनाई। शंकर जी ने कहा, आप अपनी यह बात कभी किसी से न कहना, और विष्णु जी से तो बिल्कुल भी नहीं। यह सिद्धि संबंधी बात गुप्त रखने योग्य है। नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगी और वे वीणा लेकर वैकुंठ को चल दिए और वहां जाकर भगवान विष्णु को अपना काम विजय प्रसंग सुनाने लगे। भगवान ने सोचा, उनके हृदय में समस्त शोक का कारण अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो रहा है, सो इसे झट से उखाड़ डालना चाहिए। विष्णु लोक से जब नारद जी पृथ्वी पर आए तो उन्हें वैकुंठ से भी सुंदर एक बड़ा मनोहर नगर दिखाई दिया। लोगों से पूछने पर पता चला कि इस नगर का राजा शीलनिधि अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा है। नारद जी भी राजा के यहाँ पहुँच गए। राजा और उसकी पुत्री ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने राजकुमारी के हाथ की रेखाएं देखी और राजा को बताया, आपकी पुत्री साक्षात लक्ष्मी है। ऐसी सुंदर सर्वगुण संपन्न पुत्री का भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। दरअसल नारद जी स्वयं ही राजकुमारी पर रीछ गए थे और अहंकार से भरकर उन्होंने अप्रत्यक्ष ढंग से अपना ही गुणगान कर दिया। परंतु वो जानते थे कि ये विवाह संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की और बोले, हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, राजा शीलनिधि की पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। आप अपना स्वरूप
मुझे दे दीजिए। आपकी कृपा के बिना राजकुमारी को प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। भगवान ने कहा, वैद्य जिस प्रकार रोगी की औषधि करके उसका कल्याण करता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा हित अवश्य करूँगा। मैं अपना हरि रूप आपको दे दूंगा। विष्णु जी का स्पष्ट कथन नारद जी न समझ पाए। दरअसल हरि विष्णु जी को भी कहा जाता है और बंदर को भी। इधर नारद जी ने सोचा, भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया और वे स्वयंवर सभा में जा विराजे। अब राजकुमारी जयमाल लेकर सभा में आई तो नारद जी का बंदर का मुख देखकर कुपित हो गई और उन्होंने वहां सभा में बैठे विष्णु भगवान को जयमाला पहना दी। भगवान राजकुमारी को लेकर चले गए। नारद जी बड़े दुखी हुए। वहां उपस्थित शिव जी के गणों ने नारद जी को अपना मुंह देखने के लिए कहा। जब नारद जी ने पानी में अपना मुंह देखा तो वानर मुख देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उनका अहंकार चूर्ण हो चुका था, परंतु मन में क्रोध और दुख का समावेश था और वे विष्णु लोक के लिए चल दिए। रास्ते में ही उन्हें भगवान विष्णु राजकुमारी के साथ मिल गए। नारद जी क्रोध में बोले, मैं तो जानता था कि तुम भले व्यक्ति हो, परंतु तुम तो सर्वथा विपरीत निकले। समुद्र मंथन के समय तुमने असुरों को मद्य पिला दिया और स्वयं कौस्तुभादि चार रत्न और लक्ष्मी को ले गए। शंकर जी को बहलाकर विष दे दिया। यदि उन कृपालु ने उस समय हलाहल को ना पिया होता तो तुम्हारी सारी माया नष्ट हो जाती और आज हमारे साथ यह कौतुक न होता। तुमने मेरी अभीष्ट कन्या छीनी, अतएव तुम भी स्त्री के विरह में मेरे जैसे ही विकल होगे। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। यह सुन भगवान ने अपनी माया खींच ली। अब नारद जी देखते हैं तो वहाँ न राजकुमारी है और न ही लक्ष्मी जी। वे बड़ा पश्चाताप करने लगे और त्राही त्राही कहकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने भी उन्हें सांत्वना दी और आशीर्वाद दिया कि अब माया तुम्हारे पास न फटकेगी। इस तरह टूटा नारद जी का घमंड।